देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आने वाले महीने में नेक का दौर है, जिसे लेकर विश्वविद्यालय गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों और स्टाफ की कमी है, जिसका असर सीधे नेक के ग्रेड पर पड़ेगा। भले ही विश्वविद्यालय A+ प्लस ग्रेड पाने की सोच रही है, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय में शिक्षकों और स्टाफों के 250 से भी अधिक रिक्त पद खाली हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। उससे ये नहीं लगता कि A+ प्लस ग्रेड पाने में कामयाब हो पाएंगे। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से नियमित पदों पर भर्तियां रुकी हुई हैं, साथ ही वरिष्ठ प्रोफेसरों के सेवानिवृत्त होने से कई पद खाली हो चुके हैं। बता दें कि 219 पदों पर नियुक्ति को लेकर 5 साल से विश्वविद्यालय प्रयास में लगा है, लेकिन अब तक प्रयास में सफल नहीं हो पाया है, जिसका सीधा असर नैक के ग्रेड पर पड़ेगा। क्योंकि ये तो विश्वविद्यालय के हित में है कि सारे टीचर्स हों, बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो जो पोजीशंस खाली पड़ी है उनको जल्दी से जल्दी भरने का कार्यक्रम है, उनको भरना चाहते हैं। और जो आगामी जो समिति की बैठक होगी उसमें ये बात हम लोग रखेंगे, और नैक पर इस बात का प्रभाव तो पड़ना चाहिए कि प्रक्रिया शुरू हो गई है भरने की, तो हम जल्दी से जल्दी प्रक्रिया भरने शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो डेटा है वो तो पहले ही जा चुका है, उसमें हम ज़्यादा सुधार कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जब नैक को पता चलेगा कि इनकी कमी तो है पर इन्होंने पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।